सो गाइस अ वेरी वेरी क्विक अपडेट बिकॉज आप लोगों ने काफ़ी बार कहा है, कल मैं बहुत सारे कमेंट्स पढ़ रहा था कि हर रोज़ चाहे सर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दो बट वीडियो प्लीज़ रोज़ लाओ। मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो थोड़ा सा बिजी रहने वाला हूँ, लेकिन स्टिल आई एम ट्राइंग टू मैनेज। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा BTC में कुछ एक्साइटमेंट फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन स्टिल इट इज़ $21,200-$23,000। बट यहाँ पे टेस्ला यानी कि एलॉन मस्क के थ्रू न्यूज़ आई कि आई हैव नेवर एवर सेट एनीवन टू इन्वेस्ट इनटू क्रिप्टो यानी कि बिटकॉइन। और इस बात को थोड़ा सा नेगेटिव वे में लेके जाया जा सकता है, जबकि उन्होंने वीडियो के अंदर क्लियरली कहा है, उनका अगर आप वीडियो मैसेज देखेंगे कि हमने एलॉन मस्क ने टेस्ला ने स्पेस एक्स ने सब ने थोड़े बहुत बिटकॉइन लिए हैं फॉर श्योर, बट उन्होंने खुद को कभी किसी को सजेस्ट नहीं किया। और फिर से वही डॉज क्वाइन का उन्होंने गाना ज़रूर गाया है कि येस टेस्ला एक्सेप्टिंग डॉज क्वाइन एंड फॉर मर्चेंडाइज एंड ऑल दैट स्टफ, जिसकी वजह से डॉज कॉइन के ऊपर हमेशा जान बनी हुई है, बिकॉज एलॉन मस्क इज इक्वल टू डॉज कॉइन। यू कैन से अगर एलॉन मस्क ने कुछ भी नेगेटिव कभी भी कहा किसी भी दिन शिबा या डॉज कॉइन के बारे में, बोथ विल बी गॉन फॉर एवर फॉर श्योर, बिकॉज रियल पर्पज तो कहीं पे कोई भी दिखाई नहीं देता इनका। फिलहाल अगर मैं बात करूं, आप एक चीज मार्केट की नोटिस कर लो कि मार्केट के अंदर फिलहाल 20,000 से BTC टू 21,200 जा भी रहा है, दैट इज नॉट गोइंग इन अ स्पाइक। जब भी हमने ऐसी मूवमेंट देखी है जहां पे BTC एक मेजर रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, जैसे कि हम 20,000 को हम मेजर मानते रहे थे, रीज़न बीइंग कि मेजर जैसे कि वो जब हम 21-22-25 पे चल रहे थे तो 20,000 बहुत तगड़ा सपोर्ट दिखाई दे रहा था, लेकिन जब वो टूटा और 17,500 तक BTC गया तो वहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन गया, लेकिन उसको भी इजिली उसने ब्रेक नहीं किया, वहीं पे घूमता रहा। उसके बाद हमारे एक स्पाइक देखने को नहीं मिला सीधा $22,000-$23,000-$25,000 का, बिकॉज वॉल्यूम मार्केट में अभी भी नहीं दिखाई दे रही और मार्केट में 100% पॉजिटिविटी तो फिलहाल नहीं है। आपको बस इतना ही कहूँगा, हम लोगों ने ज़्यादा एंट्रीज अभी फिलहाल नहीं ली है, लेकिन हमने स्टिल एंट्री भी ली है। हम ऐसा नहीं है कि हम खाली हाथ बैठे हैं, हमने एंट्री ली है 2 एंट्रीज, उन दोनों एंट्री पे अगर हमने डॉट कॉइन 7.5, बाइकोनॉमी 0.45 सेंट्स, FTT अगर हमने $26 और हमने बहुत सारे जो ओशियन प्रोटोकॉल सब हमने जो डिप पे लिए है आप देखेंगे तो वो उसी रेंज में ही गए थे जब BTC $17,500 गया था, जो कि एक तरीके से अच्छी न्यूज़ है फॉर ऑल्ट कॉइन, क्योंकि ऑल्ट कॉइन जब ज़्यादा मार्केट गिरी बिटकॉइन नीचे गिरा, लेकिन ऑल्ट कॉइन के ऊपर आपने देखा होगा इंपैक्ट बिल्कुल भी पड़ना बंद हो गया था, बिकॉज नाउ ऑल्ट कॉइन हैज गॉन फ्रॉम दिस स्पेस, इतना ज़्यादा वो नीचे आ चुकी है कि उनके पास स्पेस ही नहीं है नीचे जाने का। मैंने ऐसा एग्जांपल आपको बहुत साल पहले भी दिया था, अब उनके पास स्पेस नहीं है नीचे जाने का। अब यहां से हमने जो देखा $6.5 से डॉट कॉइन दोबारा $8 चला गया है, लेकिन अब यहाँ पे जब भी BTC दोबारा नीचे जाएगा, जहाँ पे डॉट कॉइन वो 6.5 का नीचे 6.5 से नीचे नहीं जा पा रहा था, वो अब जाने के चांसेस पे होगा। तो आपको मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, बेटर एंट्री का इम्पॉर्टेंस है हमारी क्रिप्टो मार्केट में या कोई भी क्रिप्टो ट्रेडिंग मार्केट के अंदर, बिकॉज यहाँ पे अगर आपने $7-$7.5 पे एंट्री ली है और मार्केट 6.90-6.80 आपको दिखा रही है, तो अगर आप री एंट्री ले लेते हो तो मेरे दोस्त आप पैसे को वेस्ट कर रहे हो। आपको वो पैसे को बचा के रखना बहुत ज़रूरी है नीचे एंट्री आने के लिए, बिकॉज अगर नीचे मार्केट और चली गई तो आप क्या करोगे। अभी जून मंथ चल रहा है, जून के अंदर हमने मार्केट को नीचे गिरते हुए देखा, लोगों ने कहा था जून भी अच्छा जाएगा, मई भी अच्छा जाएगा, लेकिन हम सिर्फ नीचे जाते हुए मार्केट को देख रहे हैं और जुलाई के अंदर रिसेशन भी डिक्लेयर हो सकता है, तो जुलाई और बुरा हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने देखा होगा, BTC एक बॉटम बनाता है हॉल्विंग के नेक्स्ट ईयर, जब वो ऑल टाइम हाई क्रिएट करता है उसके नेक्स्ट ईयर के अंदर लगभग 550 दिनों के आसपास एक बॉटम क्रिएट होता है BTC का, जो कि एक्चुअल में बॉटम होता है। उसके ऊपर मैं शायद दोबारा वीडियो बनाऊंगा, मेरे टाइम नहीं है फिलहाल ज़्यादा। तो वो बॉटम की अगर हम बात करें तो वो अक्टूबर नवंबर या दिसंबर के आसपास हो सकता है, तो हो सकता है जुलाई का मंथ रिसेशन के वजह से और BTC नीचे गिरता हुआ दिखाई दे, उसके बाद BTC चला जाए $12,000-$13,000-$14,000 या $15,000, उसके बाद वहाँ से रिकवर करे इन द मंथ ऑफ अगस्त सितंबर के आसपास रिकवर करे और चला जाए $28,000 के आसपास और दोबारा वहाँ से गिर के चला जाए लगभग $12,000-$10,000, जहाँ पे वो अपना एक फाइनल बॉटम बनाए, जो कि आज तक हिस्ट्री में हर बार हुआ है। तो उसको हमारे को देखना फिलहाल ज़रूरी है। यहाँ से मार्केट अगर रिकवर करके चली जाती है 23,000-24,000-25,000, इट्स ओके, वी हैव टेकन 2 एंट्रीज, कंट्रोल योर इमोशंस। एक ट्रेडर की लाइफ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है इमोशंस को कंट्रोल करना, बिकॉज अगर आप मार्केट को हर वक्त देखते रहोगे तो आपके रूल्स जो आपने बनाए हैं वो आप चेंज करते रहोगे। यहाँ पे अगर मार्केट रिकवर कर जाती है तो आपकी जो 2 एंट्री है बी सेटिस्फाइड, आप लोग कुछ भी मिस नहीं कर रहे, आप पैसा उसमें भी कमा लोगे। लेकिन अगर यहाँ से मार्केट गिर जाती है और आपने अभी सारी एंट्री ले ली, तब क्या होगा, यू विल हैव नो अदर ऑप्शन। तो आपको सेटिस्फाई रहना, समझना, इमोशंस को कंट्रोल करना, अपने सेट ऑफ ट्रेडिंग रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल मैं इतना ही कहना चाहूँगा, BTC अभी ज़्यादा कुछ
बढ़िया नहीं कर रहा। एलॉन मस्क की ये स्टेटमेंट जो आई है इसको ट्वीक करके बहुत नेगेटिव साइड पर भी बताया जा सकता है मार्केट के अंदर, कि एलॉन मस्क कह रहा है कि मैंने कभी क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट करने को नहीं कहा, यही उसने एग्जैक्टली स्टेटमेंट दी है, लेकिन उसको थोड़ा नेगेटिव साइड में लोगों को बताया जा सकता है कि ही सेइंग नेवर इन्वेस्ट इनटू बिटकॉइन, आई हैव नेवर टोल्ड एनीवन टू इन्वेस्ट इनटू बिटकॉइन, ऐसी पोस्ट भी आ सकती है जो कि मार्केट में थोड़ा सा ओवर सेंटीमेंट को ख़राब कर सकती है। मार्केट को देखो, जब तक मार्केट में वॉल्यूम ना आए तब तक हम एंट्री थर्ड एंट्री नहीं लेंगे। मार्केट बढ़ गई फाइन, हमारे पास दो एंट्री है, नीचे आ गई तो हमारे को उसका वेट करना है और अपने पास पैसा रखना है। वो 25% अब हम लगाएंगे $12,000 से $16,000 के बीच में, ऑलरेडी हमने सारी एंट्रीज डाल दी है, और जो रेस्ट 25% रह जाएगा उसकी हम एंट्री नहीं लेंगे। हम देखेंगे मार्केट को, जो भी करना है करने देंगे, देखेंगे उसके बाद डिसीजन लेंगे कि मार्केट में क्या रिसेशन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है, क्या फाइट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है, क्या इम्पैक्ट हो रहा है ग्लोबली जो कि इम्पैक्ट कर सकता है, उसके बाद नेक्स्ट 25% की अगर एंट्री लेनी पड़ी तो हम डिसाइड करेंगे, अदरवाइज हम नहीं लेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन। मेक श्योर वीडियो को लाइक करना मत भूला करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूला करो, मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ जैसे भी जितना भी टाइम निकाल सकूँ आप लोगों ने निकालूँ। तो फिलहाल लेट अस सी हाउ द मार्केट गोज, मैं फिलहाल अभी भी कोई एंट्री नहीं ले रहा हूँ, दो एंट्रीज आई एम सेटिस्फाइड एंड आई रियली होप कि आप लोगों ने भी वो दो एंट्रीज पे अच्छा खासा आपने डिप के ऊपर बाइंग करी है, तो अभी अपने पैसे को होल्ड करना ही ज़्यादा ज़रूरत है, जो हमारी लास्ट थर्ड एंट्री फिलहाल के लिए बची है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन, और लाइक करना वीडियो को मत भूलिएगा।